पास आईआरबी के 600 शेयर है, मैंने 60 रुपीज 89 पैसे में लिए थे, और ओके एसआरएफ के 50 शेयर लिए हैं 2462.99 में। तो ओके इसको आगे रखना है या जल्दी निकल जाना है, थोड़ा सा सलाह दीजिए मैडम। आपने जब लिया था तो कितने समय तक रुकने की आपकी इच्छा थी? मैडम ये एक्चुअली क्रैश से पहले लिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी इसे सोचा, क्योंकि मैंने सोचा था कि लगभग 90 का टारगेट रखा था आपका आईआरबी के लिए, लेकिन हाँ ट्रेंड पूरा डाउन चल रहा है, तो इसका बिल्कुल। थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या रखे या ना रखे। चलिए तो नितिलेश, चार्ट्स की बदौलत आप बताइएगा, 60 की इनकी खरीद है, 60.89 की आईआरबी की। इनफैक्ट ये इन्होंने शायद ये एवरेज किया है, बोला उन्होंने। एसआरएफ 2462, ये इनके दो लेवल्स हैं। इंफ्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 48-50 के आसपास बाइंग के लिए, रिसेंट जो ये फॉल आया था, लेकिन स्टॉप लॉस को हम लोगों ने 52 रुपीज के ऊपर ट्रेड किया है, क्योंकि अगर एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है 62 जो ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, उसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये डाइसेस सिचुएशन हो सकता है। तो जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को सलाह दी है 52 रुपीज का स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा। 62 अगर ये निकाल देता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप एक स्टॉप लॉस 56 का कर लीजिए। फिर अगर ये स्टॉक मोमेंटम में निकल देता है तो ये 100 रुपए के लेवल्स भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो चीज कही है स्टॉप लॉस उसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट काफी है। ठीक है, तो ये है सलाह आईआरबी इंफ्रा पे इस वक्त आती हुई। चलिए कुछ सवाल हम यूट्यूब से भी ले रहे हैं और लगातार हमारे पास दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है BHEL पे, राजेंद्र तिवारी हैं, इनका सवाल है, और BHEL में इन्होंने 256 रुपये के भाव पे 120 शेयर खरीदे हुए हैं। सौरभ जी, BHEL पे क्या राय होगी, 256 की खरीद है? पावर सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और पावर सेक्टर से रिलेटेड इनको भेल को कुछ काम भी मिल रहा है। स्टॉक में एक टर्न अराउंड देखा गया है। लंबे समय के लिए अगर आपका नजरिया है तो बने रहे, एवरेज और ना। तो लंबे समय का नजरिया है तो बने रहने की यहां पर सलाह है।